बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइस कैसे यार आप सब लोग, होप करता हूँ यार सब बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस आज है यार संडे और आज मैं अपने फ्रेंड के साथ आया था, गौरव के साथ। आज भारत दर्शन पार्क हम आए हैं नियर पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास ये है। तो आज हम यहाँ पर एक्सप्लोर करने आए हैं कि भारत दर्शन पार्क हमारा कैसा है, ठीक है। ये काफी टाइम हो गया इसको खुले हुए, लेकिन आज हम आए हैं काफी दिनों बाद, तो चलो चलते हैं फटाफट से अंदर और एक्सप्लोर करते हैं कैसा है। तो टिकट तो हमने ले ली है, टिकट हमने ले ली है 150 पर पर्सन हमारा पड़ा और नकली नोट देखे नकली नोट नहीं, वो नोट फटा हुआ था तो चला गया था, कोई भी नहीं देख रहा था, मैंने चुपचाप चला दिया बस। तो चलो गाइस फटाफट अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, और इससे पहले उनको पता चले मैं भाग लिया। सो गाइस दिस इज द एंट्री, हमने एंट्री ले दी है और यहाँ का बहुत ही अच्छा, यहाँ पर लाइटिंग वगैरह हो रखी है। टाइम हो रहा है हमारा 6:30 के करीब टाइम हो रहा है और काफी यहाँ पर लाइटिंग भी हो चुकी है, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है एंट्री के साथ। तो चलो बाकी और एक्सप्लोर करते हैं अंदर, और ये G20 का लगा हुआ है अपना, बाकी अंदर चलते हैं। दिस इज आर बनियन ट्री और काफी सुंदर लग रहा है यार लाइटनिंग के साथ साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं, और बहुत सारा क्राउड है यहाँ पे। और बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन इसके साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई जैसा कि आप देख सकते हैं, देखो सब ये पूरा सिलेंडर से बना हुआ है और काफी अच्छा बनाया गया है सिलेंडर। और ये जो वेट, ये वेट्स जो होते हैं ना, ये जो क्या बोलते हैं जो सब्जी वगैरह वाले उसके ऊपर हाथ तराजू, ठीक है, उससे भी बना हुआ है और काफी बढ़िया लग रहा है यार। पता नहीं लग रहा था उससे लग रहा है, मैंने तो अभी देखा, इसने बताया मेरे को कि ये सिलेंडर से बना हुआ है, तो मैंने अभी देखा जस्ट, काफी अच्छा लग रहा है। हवा महल के पास, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और काफी अच्छा लग रहा है रात को लाइटनिंग में। ये इसकी इन्फॉर्मेशन, हवा महल। सो गाइज नाउ वी आर एट गोल गुम्बाज। ये देखो जैसा कि आप देख सकते हैं सामने, काफी अच्छा लग रहा है और लाइट्स वगैरह से तो यार और ब्राइट हो ही जाते हैं यार रात के समय, तो काफी बढ़िया लग रहा है। दिक्कत क्या हो रही है भाई, तू मेरे को समझा दे यार। भाई देखो दिक्कत क्या गाइस, एक तो मैं ना अपने साथ खच्चरों को ले आता हूँ तो गाइस इसको मैं प्यार से खच्चर बोलता हूँ, तो बुरा मत मानिएगा, गौरव सानी एंटरटेनमेंट। तो अब आपके सामने यहाँ पर आ चुके कुतुब मीनार। सो गाइस देखो कुतुब मीनार काफी बढ़िया लग रहा है भाई, अभी लाइटिंग अच्छे से हुई नहीं, अभी इससे पहले काफी अच्छी लाइटिंग हो रही थी। तो बाकी अब इसके इन्फो देखते हैं क्या क्या मटेरियल यूज हुआ है इसके अंदर, ये इसके इन्फॉर्मेशन। तो ये रहा मटेरियल यूज, CNG सिलेंडर्स वगैरह से बनाया और काफी बढ़िया यार। ये फोटो सेशन के लिए कुछ एरिया है यहाँ पर, यहाँ बच्चे वगैरह फोटो खींच रहे अंदर बैठ के। और ये ऑटो देखो पूरा ग्रीनरी से प्लांट्स वगैरह इसके अंदर लगा रखे हैं, काफी बढ़िया लग रहा है और काफी अच्छा है। और जस्ट इसके सामने हमारा कुतुब मीनार है देखो। तो गाइस इसके फोटो के ड्रामे ही नहीं खत्म हो रहे, बहुत टाइम लगाया जा रहा है, और ये कुतुब मीनार की बार बार लाइट बंद हो जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है इसको। और ठीक है, अच्छा बनाया हुआ है काफी, अभी तक तो ठीक ही लग रहा है। बाकी ये जस्ट लाइक इट्स अ वेस्ट टू वंडर जो है ना, वहां पर वहां का भी व्लॉग मैंने बना रखा है, अगर आपको वो व्लॉग देखना है तो आप कमेंट सेक्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और ये भी काफी अच्छा बना हुआ है यार, काफी अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। और अभी तो फिलहाल इसका ये फोटो सेशन बता नहीं क्या करवाना चाहता है, तो बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं।
तो गाइस फाइनली जिस जद्दोजहद में हम लगे हुए थे इसका वो गले का ढूंढने में फाइनली वो मिल गया है यार। नहीं एक्चुअली कह रहा मैंने तुलसी पहन रखी ना, तो मैं सोच रहा था ऐसे गले में वो लंबी करके डाल रहा था। दिखाइए वो वाला गाइस बिल्कुल ही कैमोफ्लेज हो रहा था। अरे उसका बहुत छोटा सा, मैंने तुलसी डाल रखी है। और अभी थोड़ा बैठने का समय मिला है तो अभी बैठे हैं। काफी अभी स्कॉन गए थे, स्कॉन के बाद हम फिर पैसिफिक मॉल गए, फिर अब यहाँ पर आए हैं। तो अब जस्ट इस कुतुब मीनार के सामने हम लोग बैठे हैं। दो तीन मिनट के लिए बैठे इसकी एक दो फोटो खींच के फिर आगे कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। और बाकी भाई बताओ। तो भाई ये भी ब्लॉग कर रहा है अपना? नहीं कर रहा मैं, नहीं कर रहा मुझे इसका दुख है, आईफोन क्यों नहीं लाया। तो गाइस अनसब्सक्राइब टू चैनल। मेरे को पता है, एक सेकंड, तू भी गवार है, एकदम से पहले बतानी चाहिए थी ये बातें। भाई मेट्रो में बैठे हैं, इसको मेट्रो से नीचे दिख रहे भारत दर्शन पाके, कह रहा चलो चलो चलते हैं। तो मैं मही लेके घूम रहा हूँ। तो गाइस हमारा पहले प्लान बना था यहाँ पर आने का, लेकिन नहीं था, बहुत टाइम हो गया भाई, नया नया बना था। किस जमाने, साल पहले की बात कर रहा है भाई, जब नया नया बना था ये, एक साल पहले की बात है। वो एक साल हो गया, हो गया होगा। तो गाइस जितना भी समय, चलो अब आए, दे रहे दोस्त आए, आ गए, चलो आपको दिखा दिया, हमारा ब्लॉग भी बन गया आज का। तो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं फटाफट, चलो। सो गाइस जस्ट कुतुब मीनार से निकल के यहाँ पर, ये देखो आपके सामने यहाँ पर सिटिंग एरिया है, अपना बैठ के यहाँ पर फोटो सेशन करो, काफी अच्छा प्लेस बना हुआ है। और जस्ट इधर एक सामने एक और है मॉन्यूमेंट, जिसका नाम मुझे अभी पढ़ना पड़ेगा। तो गाइस फटाफट चलते हैं और इसके भी आपको सिनेमैटिक प्लस इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता हूँ मैं फटाफट। नाउ वी आर एट मीनाक्षी टेम्पल, जैसा कि आप देख सकते हैं काफी अच्छा लग रहा है। सो गाइज अब हम आ चुके हैं बद्रीनाथ टेम्पल के पास, जो कि आप देख सकते हैं सामने। और बाकी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपके लिखी हुई है, पाइप, इंजन पार्ट्स, एंगल, साइकिल हब, नट्स एंड बोल्ट्स। यस, वेरी गुड। हाइट 15 फीट है, लेंथ एंड विड्थ 22.5 × 2 है, ठीक है। नेट वेट 15 टन है, टाइम टेकन 60 डेज है, ठीक है। वेरी गुड। सो गाइस बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, और ये रियल है, और ये इसका डमी मॉडल। सो गाइस आफ्टर बद्रीनाथ टेम्पल हम आ चुके हैं द्वारकाधीश टेम्पल, और ये फिलहाल इन्फॉर्मेशन है। और ये हमारे सामने है हमारा द्वारकाधीश टेम्पल, जो कि काफी अच्छा लग रहा है यार, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है, और आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है लाइटनिंग में, तो और ही अच्छा लग रहा है। काफी देर चलने के बाद हमने थोड़ा विश्राम ले लिया, और अब हम बैठ गए हैं और ये अपनी फोटोज वगैरह खिंचवा लिया है, और अभी आगे हम और कंटिन्यू करते हैं। अब पता नहीं आगे कितना है, मेरे को लग रहा है शायद एग्जिट ही है इसके बाद थोड़ा ज्यादा, देन उसके बाद हम चलते हैं फटाफट से। और आई गेस व्लॉग थोड़ा शॉर्ट ही रहेगा या फिर जैसा भी होगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, फटाफट से निकलते हैं यहाँ से, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी जैसा कि गाइस हमें पता लगा यहाँ पर अभी और भी हैं, और काफी देखना पड़ेगा, तो चलो अच्छी बात है, और भी देखने को मिल रहे हैं हमें, एक और झेलना पड़ेगा अभी, और देखो वीडियो आगे और वीडियो देखो, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। सो गाइस ये हम आ चुके हैं, आई गेस ये है महा, सो गाइस दिस इज महाबाद पैलेस, और ये गलत बोल देता है, पागल है। सो गाइस दिस इज महाबाद पैलेस, और काफी अच्छा लग रहा है यार ये तो। सो गाइस कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं पहली बार देख रहा हूँ, और मुझे भी पता लग रहा है यहाँ पर आकर, वैसे तो मैंने जस्ट एक्सप्लोर अभी कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, देन उसके बाद देखो यार आप कितना सुंदर लग रहा है यार ये लाइट में, यार काफी बढ़िया लग रहा है ऑरेंज कलर की लाइट में। सो गाइस आफ्टर महाबाद पैलेस वी आर एट सांची स्तूपा, जो कि आप देख सकते हैं इसकी रियल इमेज, एंड दिस इज द रेप्लिका, और काफी अच्छा लग रहा है भाई। मैं तो कसम से पहली बार थोड़ा एकदम सरप्राइज भी हो रहा हूँ कि मैं पहली बार देख रहा हूँ ये सब चीजें, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है यार इसके बारे में, और काफी अच्छा लग रहा है यार इसको देखकर। हमें रेप्लिका के जरिए देखने को मिल रहा है, लेकिन इंडिया की काफी सारी चीजें देखने को हमें मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छा है, और रात को यार लाइट में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है।
जैसे कि आप देख सकते हैं। सो गाइस दिस इज आर फूड कोर्ट एरिया और आई गेस यहाँ पर सब मॉन्यूमेंट्स खत्म हो चुके हैं जो भी रेप्लिकाज यहाँ पर बने हुए थे। तो चलो आपको फूड कोर्ट का आपको टूर दे देता हूँ। और यहाँ पर एक जिप्सी खड़ी कर रखी है और यहाँ पर अंदर टेबल लगी हुई है खाने पीने के लिए। और ये देखो आप देख सकते हैं जैसे काफ़ी अच्छा एरिया बना रखा है। और यहाँ पर भी किसी तरह से यहाँ पर स्टील वगैरह से ये सब बना रखा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और वहाँ पर फोटोशूट वगैरह के लिए। सो गाइस ये रहा हमारा किचन फूड कोर्ट एरिया जहाँ पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। और ये रहा यहाँ का मेन्यू। और अब फजल का खिला रहे हैं, इनमें से वो भी बता दें। सो गाइस आफ्टर फूड कोर्ट के बाद भी एक और जगह है यहाँ पर विक्टोरिया पैलेस के नाम से। और ये देखो आपके सामने इसका ओरिजिन देखते हैं, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। और ये आपके सामने रेप्लिका काफी अच्छा, बहुत ही बड़े एरिया में बना रखा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब हम हम्पी चैरियट के सामने आ चुके हैं, ये रही इसकी रियल इमेज एंड दिस इज द रेप्लिका। और अभी आगे छह और चीजें आगे। तो गाइस काफी शॉकिंग सा है और सरप्राइजिंग भी है क्योंकि हमने सोचा था फूड कोर्ट के बाद एंड हो जाएगा, लेकिन आगे और भी है। तो अच्छी बात है, व्लॉग और बड़ा बनेगा और आप और आगे तक देखोगे। जैसे जैसे आगे जाते जा रहे पता लगता जा रहा है यार काफी सारी चीजें आगे, अभी छह और चीजें, ताजमहल वगैरह और भी आगे। हमें लगा था फूड कोर्ट के आगे कुछ भी नहीं है और अब चलते चलते थक चुके हैं यार थोड़ा सा, क्योंकि हम आप पीछे से भी बहुत जगह से आते हैं और इसके गाने खत्म नहीं हो रहे हैं। बाकी हम चले जा रहे हैं, कौन सा खत्म हो रही, लेट ही हो गया। मैं गाइस घर भी जा रहे हैं, लेट भी हो रहे हैं। और लेट तो नहीं हो रहा, पर क्या बकवास देख रहे हैं, अच्छा है यार, इतना ही बुरा नहीं है भाई। रात को लाइटिंग देखने में मजा आता है यार, घर पे भी लाइट है, तू घर जाके देख ले। गाइस मैं वेस्ट टू वंडर गया था, वहाँ पर हम गए थे इवनिंग के टाइम पे, मतलब आप समझ लो रोशनी थी तो हम वहाँ की लाइटिंग नहीं देख पाए थे। और अब हम आ चुके हैं द फेमस ताजमहल के सामने, रेप्लिका ये रहा। गाइस दिस इज द रियल इमेज और ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है, इसको बनाने में 150 डेज लग गए हैं। वी आर एट फाइनल स्टेज जहां पर हम आ चुके हैं खाजुराहो टेम्पल पे, जो कि आप देख सकते हैं मेरा सामने। और यहां पर आके हमको बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि यहाँ इसी के बाद है हमारा एग्जिट गेट। तो बाकी आप इसका सिनेमैटिक एंजॉय करो। सो गाइस फाइनली पूरा भारत दर्शन पार्क हमने कर लिया है एक्सप्लोर और फाइनली हम आ चुके हैं इससे बाहर एग्जिट गेट के इधर। और बहुत ज्यादा शोर हो रहा है और हम बहुत ज्यादा चल चल के थक गए यार काफी ज्यादा। अच्छा भी लगा, वर्थ इट लगा, अच्छा लगा काफी अच्छा अंदर आके, और लाइटिंग वगैरह देख के तो और ही अच्छा लगा। तो गाइज अभी तक अगर आप ब्लॉग पे हो और आपको अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी से मिलते हैं यार नेक्स्ट ब्लॉग में, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को अगला ब्लॉग किस चीज़ का बनाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, जल्दी जल्दी बता दो कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलो यार चलते हैं फटाफट घर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।